इस बात के लिए है कि गवर्नमेंट ने गठन किया है एक कमेटी बनाने के लिए, उसमें ये कहेंगे कि सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो कमेटी बना रहे हैं उसका जो चेयरमैन है, हमारा जो चेयरमैन बनाया हुआ है वो जीडी शर्मा जी बनाया हुआ है, जबकि हमारा जो ये कमीशन है ये ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन है और ना ही इसके अंदर मेंबर्स ओबीसी के हैं, ना ही चेयरमैन को लिया जाता है। मोर ओवर इन्होंने 15 जातियों को बीच में इंक्लूड कर दिया, वो जातियां वो क्लासेस जिनको किसी भी जो पुराने कमीशन बने थे, चाहे वो काका क्लिकर हो या वो मंडल कमीशन के है, उन्होंने किसी ने भी इनको आइडेंटिफाई नहीं किया था, मगर फिर भी एक सोची समझी चाल के तहत इन्होंने 15 जातियां ऐसी हैं जो बैकवर्ड क्लासेस को दूर दूर तक छूती भी नहीं है, उनको ओबीसी कैटेगरी के बीच में इंक्लूजन किया गया, ये सोची समझी चाल के तहत हुआ है। तो हम यही सब चाहते हैं कि ओबीसी कमीशन जो बनाया जाए उसका जो चेयरमैन हो वो हमारे लोगों में से एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए, मेंबर्स भी ओबीसी के हों, और हम चाहते हैं कि हमारी आपके मीडियम की आपने मीडिया ने हमारा बड़ा साथ दिया। अभी जो इलेक्शन हुए हैं, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए हैं, उसमें ओबीसी का बहुत रोल, हमने पहले भी कहा था कि हम पूरा बायकॉट करेंगे भाजपा को, क्यों, इनकी मैलाफाइड इंटेंशन से 5 अगस्त 2019 को इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, पूरा यूटी बनाया गया और 370 को तोड़ा गया, तमाम कानून, मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, तमाम कानून जो सेंटर के हैं वो स्टेट में लागू किए गए, मगर स्टेट रिजर्वेशन एक्ट 2008 को बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहने दिया इन्होंने, उसको हाथ नहीं लगाया, क्यों, उसमें वो डाइवर्टेड थे, उसको डाइवर्सिफाई किया हुआ है ताकि जनरल कैटेगरी के लोग भी उसमें यूज कर रहे थे, जो एक्चुअली जो ओबीसी के लोग हैं उनको 2% की रिजर्वेशन दी हुई थी, उसमें आरबीआई बीच में लगाया हुआ है, एएलसी लगाया हुआ है, जबकि ओबीसी एक्सक्लूसिवली जाति आधारित रिजर्वेशन है, उसमें एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल डाल दिया है, आरबीआई डाल दिया है। तो मेरे कहने का मतलब है 5 अगस्त 2019 को केंद्रीय सरकार जो मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है, एक सोची समझी साजिश के तहत 5 अगस्त 2019 को उन्होंने तमाम कानून जम्मू कश्मीर के हटाए और केंद्रीय कानूनों को यहाँ लागू किया, सिर्फ ओबीसी का जो वेलफेयर कानून था उसको यहाँ नहीं लाया गया, जैसे कि सेंटर में हमें 27% का रिजर्वेशन हमें मिलता है। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा, अभी भी आपके पास टाइम है, हम आगे भी आपको, अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, फिर ये कैसे होगा?